हे गाइस, कैसे आप सब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9C को। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स दिया गया आपको, बी मैट्रिक्स दिया गया है, एंड आपको फाइंड क्या करना है, आपको एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। अभी तक कंडीशन क्या दिया गया, देखो, सच दैट AX इक्वल टू बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो अभी देखो, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने से कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, बी मैट्रिक्स आ रहा है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, AX इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स आपका कुछ था, ए मैट्रिक्स आपका कितना था, 2113 इंटू एक्स मैट्रिक्स आपका कुछ था, आपको पता नहीं है वो मैट्रिक्स क्या था, क्योंकि पूछा है आपको क्या, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो हमें पता नहीं कि एक्स क्या मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक। नाउ आपका बी मैट्रिक्स कितना था आपका, 3-11। तो एक चीज मुझे बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया मुझे कौन बता सकता है, बताओ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको यह देखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोस सेम होना चाहिए, ठीक। तो ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ मुझे कितना है, 2x2, ठीक। एंड ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रिजल्ट निकलने के बाद, दो रो था एंड एक कॉलम था, तो इसका ऑर्डर है 2x1। तो ये रहा आपका एक्स मैट्रिक्स जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले देखो, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप कब होंगे, जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होगा। तो मान के चलो, लेट द ऑर्डर ऑफ एक्स इज बी, ए क्रॉस बी मान लेता हूं। सो लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी ए क्रॉस बी। तो मैं मान के चल रहा हूं ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए क्रॉस बी। तो अभी आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। तो सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है, ए। तो ये ए और टू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए और टू क्या हो गया, सेम हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो जो प्रोडक्ट निकलेगा, तो उसका ऑर्डर कैसे पहचानोगे आप, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले क्राइटेरिया चेक किया आपने कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम हो गया, तो जो बच जाएगा क्या क्या बचा आपका, 2 और b, यही 2 और b क्या होगा आपका, प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। तो कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से प्रोडक्ट का ऑर्डर में कितना आ रहा है आपका, 2x1 आ रहा है ना, बट प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2x b। तो कंपेयर करो तो b का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 1, ठीक है ना। तो यही चीज आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। सो दैट इज a इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, a इक्वल्स टू 2 होगा एंड b इक्वल्स टू आएगा आपका 1। तो इधर स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू 2 कैसे हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये आपको लिखना है, ठीक। तो a कितना हुआ आपका, a आपका 2, b आपका 1, ठीक। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x कितना होगा, x का मैट्रिक्स कितना होगा, दैट इज a क्रॉस b कितना होगा, दैट इज 2x1। सो देयरफॉर जो x मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर कितना हो गया आपका, 2x1। तो क्योंकि x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x1, तो मतलब कितने उसमें रो होंगे, 2 रो एंड 1 कॉलम होंगे। तो क्योंकि वो x वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 है, तो अब मुझे बताओ कितने एलिमेंट होंगे उसमें, ये एक एलिमेंट इधर होगा, ये एक एलिमेंट होगा। तो मैं मान के चलता हूं, लेट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्स बी एक्स एंड वाई, स्मॉल एक्स एंड वाई, मैं मान के चल रहा हूं इसके अंदर एक्स एंड वाई स्मॉल एलिमेंट्स हैं। तो अभी ठीक है, अब आगे सॉल्व करो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो AX इक्वल टू बी था ना, तो A मैट्रिक्स आपका कितना था, आपका A मैट्रिक्स 2113, और X मैट्रिक्स आपको कितना पता चला अभी, दैट इज X और Y आपने मान लिया अभी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू आपका B मैट्रिक्स कितना आपका यहाँ पे, 3-11। तो प्रोडक्ट सॉल्व करो आप और इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो, 2x 2x प्लस 1 y y, ठीक। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 x हो जाएगा आपका x प्लस 3 y हो जाएगा आपका 3 y, ठीक। आगे सॉल्व करो, दैट इज 3-11, ठीक। अभी अगर ने देखो, दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो दैट्स वाई 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3, एंड ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी सेम हो जाएगा, तो दैट इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया हूं, तो कैसे सॉल्व करना है, अभी कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को आप सेम कर दो,
तो मान के चलो कि मैं x का वेरिएबल को मैं सेम कर देता हूँ, उसका कोफिशियंट को सेम करता हूँ, तो ऊपर वाले में x का वेरिएबल का x वेरिएबल का कोफिशियंट कितना है 2, नीचे वाले x का वेरिएबल का कोफिशियंट कितना है 1, तो दोनों को सेम कैसे करूंगा? तो सिंपल सा तरीका है कि नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2x हो जाएगा, तो ये तो 2x है ही, तो क्योंकि मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बस सॉल्व करो, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, ये ऊपर वाले को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, एंड नीचे वाले को सॉल्व करो कितना होगा 2x प्लस 2 into 3y हो जाएगा आपका 6y इक्वल्स टू -11 into 2 -22, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे होगा, ये +2x + 2x था तो माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा, तो माइनस माइनस करो, ये माइनस करने से क्या होगा, ऐसा सिंबल प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस 2x क्या होगा, कट जाएगा, फिर प्लस वाई माइनस 6y दैट इज -5y, ठीक है ना, प्लस वाई माइनस 6y, देखो ना प्लस वाई माइनस 6y कितना आएगा आपका -5y आएगा, ठीक, फिर 3 + 22 कितना होगा 25, तो आगे सॉल्व करो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 25 - 5, तो दैट्स वाई y कितना होगा -5 हो जाएगा, ठीक। अब यही y को क्या करो, अब कोई भी इक्वेशन में पुट करो, 1 या 2 में इक्वेशन में पुट करो, आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, सो पुट y इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, सो दैट इज 2x प्लस y का वैल्यू कितना आपका -5 इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो 2x कितना होगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो 2x कितना होगा, ये -5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक, तो आगे सॉल्व करो तो 2x इक्वल्स टू 8, तो हेंस x इज इक्वल टू कितना आया 4, ठीक है, तो यही हुआ आपका x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू आया आपका -5। तो वो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैट्रिक्स x, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको मैट्रिक्स x फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स x क्या था आपका, x और y था, देखो अभी हमने लिखा था ना मैट्रिक्स x क्या, हम लोग क्या चूज किए थे मैट्रिक्स x को, x और y लिया था हम लोगों ने, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्मॉल x का वैल्यू कितना है आपका, स्मॉल x का वैल्यू है आपका 4 और y का वैल्यू है आपका -5, तो इस हिसाब से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच करना है, तो आप आंसर दे सकते हो, आप आंसर भी कितना आ रहा है देखो 25 में 4 और -5 भी आपका आंसर आ रहा है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।